हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक फार्मेसी। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था फार्माकोपिया। तो हमने जाना था कि फार्माकोपिया क्या होती है, इंडियन फार्माकोपिया एंड यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के बारे में स्टडी की थी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आज के टॉपिक आज का हमारा टॉपिक है ब्रिटिश फार्माकोपिया। जिस प्रकार आपने इंडियन फार्माकोपिया एंड यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के बारे में स्टडी की थी, उसी प्रकार आज देखेंगे ब्रिटिश फार्माकोपिया क्या होती है। तो चलिए देखते हैं। द ब्रिटिश फार्माकोपिया इज द नेशनल फार्माकोपिया ऑफ यूनाइटेड किंगडम। जो ब्रिटिश फार्माकोपिया है यह नेशनल फार्माकोपिया है यूनाइटेड किंगडम के लिए। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड बाय जनरल मेडिसिन काउंसिल एंड वॉज लेटर डन बाय फार्मास्यूटिकल कमीशन। इसका मतलब ये है कि जो ब्रिटिश फार्माकोपिया है जब फर्स्ट टाइम पब्लिश्ड हुई थी तो वो जनरल मेडिसिन काउंसिल के द्वारा पब्लिश्ड की गई थी, जिससे शॉर्ट में GMC बोलते हैं। और जो इस टाइम पब्लिश्ड की जाती है ब्रिटिश फार्माकोपिया, वो फार्मास्यूटिकल कमीशन के द्वारा पब्लिश्ड की जाती है, इसे आप याद रखिएगा। द फार्मास्यूटिकल कमीशन ऑन पब्लिशिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। वो जो फार्मास्यूटिकल कमीशन है वो ब्रिटिश फार्माकोपिया को टाइम टू टाइम पब्लिश कर रहा है इस समय। इट इज एन एनुअल पब्लिश्ड कलेक्शन ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर यूके मेडिसिन सब्सटेंस। और जो ब्रिटिश फार्माकोपिया है वो एनुअली पब्लिश्ड की जाती है, मतलब हर साल पब्लिश्ड की जाती है। और इसमें कलेक्शन होता है जितने भी सभी ड्रग्स होती हैं उनके स्टैंडर्ड का कलेक्शन होता है। द ब्रिटिश फार्माकोपिया इज एन इम्पोर्टेंट स्टेट्यूटरी कंपोनेंट इन द कंट्रोल ऑफ मेडिसिन विच कंपोनेंट एंड असिस्ट द लाइसेंसिंग एंड इंस्पेक्शन प्रोसेस ऑफ द मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं MHRA ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। इसका मतलब ये है कि जो ब्रिटिश फार्माकोपिया है यह इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, जो कि क्या करता है, कंट्रोल करता है सभी प्रकार की मेडिसिंस, जितनी भी मेडिसिंस होती हैं सभी को कंट्रोल करके रखता है, लाइसेंसिंग एंड इंस्पेक्शन प्रोसेस, और जितने भी हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं सभी पर कंट्रोल करता है ब्रिटिश फार्माकोपिया। चलिए अब जानते हैं ब्रिटिश फार्माकोपिया के एडिशन के बारे में, कि ब्रिटिश फार्माकोपिया के एडिशंस कब कब आए। द फर्स्ट ब्रिटिश फार्माकोपिया 1864 वाज एन आउटकम्स ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री ओल्ड एंड रिपोर्टेड फार्माकोपिया। इसका मतलब ये है कि जो ब्रिटिश फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन पब्लिश्ड हुआ वो हुआ 1864 में, वो भी थ्री फार्माकोपिया के कॉम्बिनेशन से। जब थ्री फार्माकोपिया का कॉम्बिनेशन हुआ तब ब्रिटिश फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन पब्लिश्ड हुआ। तो वो थ्री फार्माकोपिया कौन सी थी, देखिए, एडिनबर्ग फार्माकोपिया जो कि स्कॉटलैंड की है, जो पब्लिश्ड हुई थी 1699 में। एक है लंडनिशिस फार्माकोपिया जो लंदन की है, वो पब्लिश्ड हुई थी 1618 में। और थर्ड है डब्लिन फार्माकोपिया, डब्लिन की है, ये पब्लिश्ड हुई थी 1807 में। इन तीनों को जब मिलाया गया, इन तीनों का कॉम्बिनेशन हुआ, तो ब्रिटिश फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन पब्लिश्ड हुआ 1864 में। अब देखिए सेकेंड एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया, तो वो है 1867 में। थर्ड एडिशन 1855, फोर्थ एडिशन 1898, फिफ्थ एडिशन 1914 में, और उसी प्रकार जो एट एडिशन है वो 1953 में। इसके बाद देखते क्या हुआ। आफ्टर 1953 द न्यू एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया पब्लिश एट द 5 ईयर इंटरवल। 1953 के बाद जितने भी एडिशन ब्रिटिश फार्माकोपिया के आए वो 5 ईयर के इंटरवल पर आए। कैसे, आफ्टर 1953 द न्यू एडिशन पब्लिश्ड 5 ईयर इंटरवल में, देखिए आप काउंट कीजिए तो 1958 में आया, इसके बाद 1963 में आया, इसके बाद 1968 में आया,
एंड नेक्स्ट 1973 में आया, यहाँ तक आए 5 ईयर के इंटरवल में। इसके बाद क्या हुआ, सिंस 2000 ऑल एडिशन पब्लिश्ड एनुअली। 2000 के बाद क्या होने लगा कि जो ब्रिटिश फार्माकोपिया की जितने भी एडिशंस थे वो एनुअली पब्लिश्ड होने लगे। तो देखिए क्या हुआ कि जो ब्रिटिश फार्माकोपिया का 2004 में एडिशन पब्लिश्ड हुआ उसमें कितने वॉल्यूम थे, 6 वॉल्यूम, वो एडिशन 6 वॉल्यूम में पब्लिश्ड हुआ। तो पहले एंड दूसरे वॉल्यूम में मेडिसिनल सब्सटेंस को क्या किया गया, उसमें इंक्लूड किया गया। एंड जो थर्ड वॉल्यूम था उसमें फॉर्मुलेटेड प्रिपरेशन, ब्लड रिलेटेड मेडिसिंस, इम्यून सिस्टम प्रोवाइड प्रोडक्ट, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स, फॉर्मुलेशंस एंड सर्जिकल प्रोसीजर मटेरियल को इंक्लूड किया गया। जो वॉल्यूम फोर्थ था इसमें अपेंडिसेस को इंक्लूड किया गया। एंड जो वॉल्यूम फिफ्थ था उसमें ब्रिटिश फार्माकोपिया वेटरनरी को इंक्लूड किया गया। एंड जो वॉल्यूम सिक्स था उसमें सीडी रूम वर्जन ऑफ बीपी को इंक्लूड किया गया। इसके बाद देखिए क्या हुआ, ब्रिटिश फार्माकोपिया 2004 टू 2009 बाज सेम पैटर्न। देखिए 2004 में जो एडिशन आया था उसमें 6 वॉल्यूम थे, तो 2004 से लेकर 2009 तक जो इनका पैटर्न था वो सेम था, मतलब सभी में 6 वॉल्यूम थे। 2004 से 2009 के बीच में जितने भी एडिशन आए उनमें 6 वॉल्यूम थे। अब क्या होगा, बीपी 2010 बाज पब्लिश्ड बाय टीएसओ द स्टेशनरी ऑफिस दैट अ पार्ट ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी MHRA। इसका मतलब ये है कि 2010 के बाद जो ब्रिटिश फार्माकोपिया है वो टीएसओ के द्वारा पब्लिश्ड की जाने लगी, जो कि पार्ट था MHRA का। इसके बाद बीपी 2013 इंक्लूड बीपी वेटरनरी, बीपी इसके बाद 2014 इंक्लूड ऑलमोस्ट 3500 मोनोग्राफ्स को इनमें इंक्लूड किया गया। इसके बाद 20 द लेटेस्ट ब्रिटिश फार्माकोपिया इज बीपी 2020। जब 2020 चल रहा था तो उसमें लेटेस्ट कौन थी, 2020 थी। आफ्टर देन जब 2021 चल रहा था उसमें 2021 लेटेस्ट एडिशन था। इसके बाद चल रहा फिलहाल 2022, तो इसमें लेटेस्ट एडिशन कौन सा होगा, 2022, जो कि 1 जनवरी को पब्लिश्ड किया जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और साथ ही जो मैंने आज पढ़ाया है इसका नोट्स मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।